चले भाईजान ये टैंकी ज़रा ओपन करके दिखाएं, बाकी भाई भी देखें कि जेन्युइन टैंकियाँ कैसे नज़र आती हैं। एटलस होंडा का ओरिजिनल फ्यूल टैंक है, इन्होंने ये ओपन किया है जी, बॉक्स से निकाला है। ये हल्की हल्की इसके ऊपर डस्ट है, मैं दिखा था, चलो अभी कपड़ा लगेगा तो ये ओके हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें कंपनी के इसके साथ ये ऑयल भी लगा हुआ है सारा, ये आप देखें बिल्कुल जो न्यू फ्रेश फ्यूल टैंक आते हैं उसके अंदर ये हल्का हल्का कंपनी का अपना ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखें डस्ट है इसके ऊपर हल्की हल्की, ठीक है, वो साफ़ हो जाएगी। और ये नीचे से भी देखें बिल्कुल फ्रेश ओके है, मोनोग्राम कंपनी का इसके साथ जेन्युइन लगा हुआ है, फ्यूल टैंक ही जेन्युइन है। दूसरी साइड भी दिखा दें जी, बिल्कुल फ्रेश ओके है। निचली साइड भी ज़रा दिखाइएगा, ये देखें जी डबल चादर है, पीतल वाला टांका है इसके साथ। पीतल वाला टांका लोग पूछते हैं क्यों होता है, मेटल वाला होता है इसके अंदर फिर सुराख हो जाते हैं, उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर पर वेल्ड हो जाती है, पतली वेल्ड होती है इसके साथ। 3 किलो का आउटफिट है। फ्रंट किनारी ज़रा दिखाइएगा, जो इसका अपना एक प्रोमिनेंट शेप होता है, ये आप देखें डबल चादर है और बहुत खूबसूरत इसका गला बना हुआ है। और ये इसका आप नेक देखें, प्रॉपर ये वेल्ड होता है, ठीक है। अंदर से आप फ्लैश ऑन करके भी लाजमी चेक किया करें कि फ्यूल टैंक अंदर से फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। हल्का फुल्के इसके साथ डस्ट वगैरह जो लगा हुआ, ब्लैक भी इधर ओपन करके दिखा दें जी। और ये कंपनी का जो अपना ऑयल लगा होता है, इस वजह से होता है कि इसकी लाइफ जो है ना प्रिजर्व रहती है, ठीक है। कई फ्यूल टैंक्स में ज़्यादा लगा होता है, कई में कम लगा होता है। ये भी करीब करके दिखाएं ज़रा, मोनोग्राम वगैरह स्क्रू वाला कंप्लीट आउटफिट मिल जाएगा। ये भी देखें, ये कंपनी का अपना ऑयल लगा हुआ है इसके साथ, ये देखें, ये 10 साल भी पड़ी रहे इसको कुछ नहीं होता इस तरीके से, ये प्रॉपर जब इसके साथ ऑयल वगैरह लगा हो। इसके साथ भी वो सारे लवाजमात निशानियाँ पूरी हैं, ठीक है। दूसरी साइड भी दिखा दें, ये देखें नीचे से बिल्कुल फ्रेश ओके है, कोरी टंकी है, मतलब नीचे से पेंट नहीं हुआ, कोरी का मतलब ये है। ये देखें पीतल वाला टांका है, पतरी इसके साथ वेल्ड हुई हुई है। फ्रंट ज़रा इसका शेप दिखाइएगा, फ्रंट से यहाँ से, ठीक है। अक्सर फ्यूल टैंक होते हैं यहाँ से ना, उनकी शेप चेंज होती है, ये जेन्युइन की शेप ज़रा प्रोमिनेंट होती है। नीचे रखे ज़रा, ये आप लोगों को दिखाता चलूँ, कई लोग कहेंगे ज़रा लाइट भी ओपन कीजिएगा कि इसके ऊपर ये स्पॉट्स हैं। ये टैंकी बिल्कुल न्यू और फ्रेश है, इसके ऊपर ये सारा ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल न्यू और फ्रेश है। लास्ट वीडियो भी आई थी 2023 की, उसके काफ़ी व्यूज हुए थे, लोगों ने सब ने पूछा यार इसके ऊपर निशान कैसे हैं। ये देखें जब कोई चीज़ नई फ्रेश बॉक्स से निकलती है तो ये निशान इसके ऊपर होते हैं। वो ज़रा 15 वाली टैंकी निकाल के दिखाइएगा, कुछ अर्से बाद ये ऑयल हल्का हल्का खुश्क भी हो जाता है तो ये पॉलिश से उतर जाता है, ऐसे इसकी लाइफ रिजर्व रहती है। ये देखें ये फ्यूल टैंक, जो पुराने डीलर हैं उनको पता है, देखें ऑयल हल्का हल्का जमना शुरू हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जमा हुआ, लेकिन ये पॉलिश के साथ ओके हो जाएगा, ऑयल ही होता है ये, इसकी लाइफ को प्रिजर्व रखता है ये। स्टिकर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे पास ये देखें 23 मॉडल का 22 मॉडल का 2009 का 17 का 18 का 11 का सारे आउटफिट्स पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के फ्यूल टैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जेन्युइन एटलस होंडा के, ना सिर्फ 125 के बल्कि प्राइडर के, डिलेक्स के, ये सारे आउटफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं।